ठीक नहीं है। अभी सलमान सर ने क्या गलत बोला, सलमान सर किसी के साथ भी बायस नहीं है। टाट को आप इंसल्ट ना लेके, मैं ये बहुत गलत बोल रही हूँ, ना कि आप बगावत पे उतर आए तो भाई ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे जाके आप गालियां दे रहे हो, और जब तक ये मारपीट नहीं होगी ना तब तक ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। देखो पता है मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतने फॉलोवर्स वालों को आप कास्ट करते हैं और फिर जब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो फिर उस चीज़ पे फिर मतलब ये ठीक नहीं है। पहले के बिग बॉस आपने देखे थे कि इतने अच्छे आते थे, सटीक होते थे, कुछ चीज़ें भी नहीं होती थी ना, लुक का बाहर कोई झगड़ा पगड़ा होता था ये सब चीज़ें। बट अभी मुझे लग रहा मेरे टाइम से जब से बिग बॉस 16 आया है तब से ये चीज़ें होने लगी है कि ज़्यादा फॉलोवर्स वालों को लाए जाते हैं तो फिर क्या होता है कि चैनल का भी बस नहीं चलता और किसी का भी बस नहीं चलता है, ठीक है, तो फिर क्या होती है लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस वाले सीज़न में भी मुझे जो बाहर मुझे तो पता ही नहीं है बट जो भी अपडेट मिलती है इंस्टाग्राम पे वही चीज़ें हैं। अभी सलमान सर ने क्या गलत बोला, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। सलमान सर ने सही तो बोला कि आप आर्मी बोलते हो, आर्मी का काम क्या होता है, आर्मी का काम है देखभाल करना। तो अगर आपका आर्मी का जो हेड है वो अगर कुछ गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है, यहाँ तक कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी की भी बात बोलूँ उनसे भी गलती होती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, और इंसान छोटा भी समझा सकता है। तो अगर उसने गलत बोला है और सलमान सर ने बोला है, क्योंकि सलमान सर किसी के साथ भी बायस नहीं है और चैनल भी नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सलमान सर ने समझा तो उस चीज़ को पॉजिटिव लो ना। क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं आज, मैं सलमान सर को उसका क्रेडिट देती हूँ क्योंकि सलमान सर की वजह से ही मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। और उन्होंने जो मुझे डांट लगाई है, जो फटकार लगाए हैं, उससे मैं बहुत लाइफ में चीज़ें सीखी हूँ। तो सलमान सर अगर बिग बॉस में डांट रहे तो ये नहीं है कि आपकी इज्जत खराब हो रही है या आपकी बेइज्जती हो रही है। तो जो फैंस हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि हर इंसान की डांट लगती है, चाहे बड़े से बड़ा इंसान आ जाए बिग बॉस में, चाहे छोटे से छोटा आ जाए, हर किसी की डांट लगती है। आप कोई भगवान नहीं हो कि आपने कोई गलती नहीं की है, भगवान से भी गलतियाँ हुई होंगी कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि गलत है, और सलमान सर अगर डांटते हैं तो वो उनके भले के लिए ही डांटते हैं, तो उनकी डांट को आप इंसल्ट ना लेके उसको एक चैप्टर लीजिए, आप एक सीख लीजिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे सलमान सर को टारगेट कर रहे हैं, जो फैनर्स कम हो गए, हाँ, मजाक बना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे कि सलमान सर तो सबके अच्छे के लिए, जी जी जी, मैं ये बहुत गलत बोल रही हूँ। जो भी फैंस हैं उन लोगों से भाई मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा मत करिए, क्योंकि सलमान सर हमारे अपने हैं और उन्होंने हमको क्या पूरे भारत को बहुत सारी फिल्में दी हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट दिया है। तो सलमान सर जो एज पे हैं, जिस एज पे हैं, जिस एक्सपीरियंस पे हैं, वो हमको एक सीख देते हैं और अच्छी सीख देते हैं, तो उसको पोलाइटली लें। और ये डांट है ये लगती रहती है, अगर डाटा होगा तो शायद कुछ गलती की होगी, तो आप सोचिए, तो जो भी गलती की होगी उसको एक्सेप्ट कीजिए, ना कि आप बगावत पे उतर आएँ, क्योंकि ये शो है। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि अगर किसी को मौका दिया है चैनल ने, आज उस चैनल की वजह से आधे लोग जानते थे, आज उस चैनल की वजह से आपको पूरा भारत जानता है। तो क्योंकि मैं अपने पर्सनल बताती हूँ, मैं सिर्फ मनीषा को जानती थी उस शो में, और पूजा भट्ट को जानती थी, और उसको एक वो है ना, एक सीरियल अविनाश, उसको जानती थी। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं फुकरा इंसान को नहीं जानती थी कौन था, इसको भी नहीं जानती, एल्विश को भी नहीं जानती थी मैं, और भी बहुत लोगों को नहीं जानती थी मैं, और उनको भी नहीं जानती थी जो लड़की हैं, एक लड़की है ना, नहीं नहीं पता है, हाँ जिया शायद, जिया 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 दीपिका, इनको किसी को भी नहीं जानती थी। तो वही बात है, आज जो उनको पहचान मिली है वो बिग बॉस की वजह से मिली है। तो आप अगर चैनल को गलत बोल रहे हो या सलमान सर को गलत बोल रहे हो तो ये आपकी गलत है, क्योंकि आपको जो नाम मिल रहा है, जो फेम मिल रहा है ना, चैनल के वजह से ही मिल रहा है, क्योंकि आपको थोड़े लोग जानते थे, आज आपको पूरा भारत जानता है। तो आप मतलब आपको जो रोजी रोटी दे रहा है आपको, उसके लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है सलमान सर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं गलत बोलना चाहिए, वो भले के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि सलमान सर कल को किसी को बोलना
स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये जो शो है ये उसी चीज़ पे, अगर सलमान सर आके किसी को डांटना लगाए या किसी को बोले ना या किसी को समझाए नहीं, तो ये जो बिग बॉस है ना, ये बिग बॉस ख़त्म हो जाएगा, यानी बिग बॉस का जो मज़ा है वो नहीं रहेगा। तो जब एक सब्जी बनती है तो उसमें मसाले इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे ही ये बिग बॉस एक सब्जी टाइप का है, और इसमें जो सलमान सर जो मसाले डालते हैं उसका एक अलग ही तड़का है, और ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी है। खतरों के खिलाड़ी में अगर स्टंट नहीं ना करने पर रोहित सर डांट नहीं लगाएंगे तो वो डांट हमारी ज़िंदगी में सफल नहीं होगी। तो उसको प्लीज़ आप सभी फ़ैनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी फैंस हैं, सलमान सर को गलत बोलना छोड़िए, क्योंकि वो अगर किसी को सीख दे रहे हैं वो उसके अच्छे के लिए दे रहे हैं। शायद वो डांट पढ़ के लाइफ में बहुत कुछ अलग करेंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरी एक दो बार डांट लगी है और कितनी बार मेरी तारीफ़ हुई है। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं गलतियाँ नहीं करूँगी, मैंने भी गलती की है बिग बॉस में, और अगर 10 गलती मतलब लाइक अगर 10 अच्छे काम किए हैं, एक गलती की है तो लोग ना उस एक गलती पे फोकस करते हैं, वो जो बाकी 10 अच्छे काम किए उस पे कोई फोकस नहीं करता। तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता है, आपका दिल जानता है कि मैंने 10 अच्छे काम किए, बस उसको उसको सोच के चलिए। देखो मैं ये सोचती हूँ, देखो चैनल को अगर TRP चाहिए और TRP के लिए बड़े बड़े फॉलोवर्स चाहिए तो भाई ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी, है ना, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी। नहीं तो आप पहले के बिग बॉस देखो, कोई कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, नॉर्मली लोगों के फैंस वहीं से ही बनते थे। बट जब आप TRP के लिए बड़े बड़े फॉलोवर्स को लाते हो तो फिर उनके फॉलोवर्स को भी आपको झेलना पड़ेगा, फिर उनकी गुंडागर्दी भी झेलनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले बिग बॉस चलता आ रहा था, नॉर्मल लोगों को लिया जा रहा था, तो वही आप रखें, उसमें जनता को भी देखने में अच्छा लग रहा था और चीज़ें भी अलग थी। बट ये नहीं होता था कि कोई अगर गलत बोले तो उसके इंस्टाग्राम पे जाके आप गालियाँ दे रहे हो, अभी ये सब चीज़ है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि जब इंसान को गालियाँ देते हैं, जब इंस्टाग्राम पे लोग गालियाँ देते हैं, जिसके वो सैनिक होते हैं, जो भी उनका हेड होता है, वो हेड क्यों नहीं बोलता अपने फैन से कि प्लीज़ आप ये गलत कर रहे हो, आपको लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या आपको सर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। वो एक वीडियो बना के दे तो सकता है ना, अपने अपने जो भी आर्मी है, अपनी आर्मी को एक वीडियो बना के दे सकता है कि आपने ये गलत किया है और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि ये सब ना करें, तो उनके बोलने पे उनकी आर्मी सुनेगी ना। तो ये क्यों नहीं करते, क्यों अपने मतलब लाइक चौड़े होके निकलते, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर एक को फोकस नहीं कर रही हूँ, तो ये गलत है। कल को अगर मेरे मतलब लाइक मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है और मेरे फैंस उनको बोलते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनना चाहिए कि मैं मतलब उनको बोलूँ वीडियो बना के कि भाई आप छोड़ दो बोलना, लीव इट, मैंने माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दो, कोई कमेंट गलत कमेंट नहीं करेगा। तो अब क्या बोलूँ, अब भाई चैनल जाने, चैनल के क्रिएटिव जाने, बट यही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइक बहुत चीज़ें होच पोच होंगी जल्दी मतलब ऐसा इंट्यूशन आ रही है मुझको कि बहुत ज़्यादा लड़ाई पीट मार पीट होगी पक्का, और जब तक ये मार पीट नहीं होगी ना तब तक मुझे लगता है कोई शांति नहीं बैठेगा। ऐसा मतलब लगता है कि मैं जब देखती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, ओ माई गॉड इतना लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये गलत है। मैं बस फैंस को यही बोलना चाहती हूँ, मैं अपने फैंस को तो बोलना चाहती हूँ, उनके साथ में जो भी जिसके भी फैंस हैं मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि भाई देखो, अगर आपको 2 मिनट लगता है उस ब्रॉड पे आके गालियाँ देने में, ठीक है, बट एक बार जाके जिसको आप गाली दे रहे हो उसके पास्ट लाइफ में भी तो जाओ कि वो यहाँ तक जो पहुँचा है वो किस बिहाफ पे और किस कंडीशन से निकल के पहुँचा है। तो उसने कोई गुनाह नहीं किया या उसने कुछ नहीं किया जो आप उसको गाली दे रहे हो, ठीक है, तो वही है, आप प्लीज़ समझ, क्योंकि आपका जो मुंह है और आपके जो लफ्ज़ हैं वो मतलब सच बताऊँ किसी की जान भी ले सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट पढ़ के ना ऐसा मन करता है कि यार क्या है ये ज़िंदगी बेकार है, तो मतलब प्लीज़ ऐसा ना करो कि आपके उन गंदे कमेंट से किसी की जान जाए,
तो प्लीज़ अपना अपना काम करो, आप जिससे प्यार करते हो उससे प्यार करो, बट फालतू की दूसरे से नफरत क्यों करते हो? आप अपना मुद्दा रखो ना, आप अपने लोगों को करो, और दूसरों पे अटैक करते हैं, मतलब दूसरों पे अगर कोई बोलता भी है तो भी दूसरे के आर्मी अटैक करते हैं, तो ये सही नहीं है, बट इट्स ओके, चलता है, रिवाज है, ऊपर जाओगे तो दुनिया खींचेगी नीचे, तो बट आप रुकना नहीं। मूवी देखते हो ना, मूवी में मारपीट भी होती है, सैड भी होता है, सारी चीज़ें होती है, आप पूरी मूवी तब तक देखते हो ना जब तक क्लाइमेक्स ख़त्म नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता, तो आप सोचो आपकी मूवी चल रही है, तो आप उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट आपको क्लाइमेक्स तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका क्लाइमेक्स लाइफ में ख़त्म नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।